आंख मारने को इंग्लिश में बोलते हैं विंक। विंक यानी कि आंख मारना। जैसे एग्जांपल है इसका, मुझे आंख मत मारो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट विंक एट मी। डोंट विंक एट मी यानी कि मुझे आंख मत मारो। नेक्स्ट वर्ड है मोमबत्ती बुझाना। मोमबत्ती बुझाने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो आउट। ब्लो आउट यानी कि मोमबत्ती बुझाना। एग्जांपल लेते हैं इसका, मोमबत्ती बुझा दो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट मैंने बुझाना, कैंडल यानी कि मोमबत्ती। नेक्स्ट वर्ड है बड़बड़ाना। बड़बड़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं बैबल। बैबल यानी कि बड़बड़ाना। फॉर एग्जांपल, बड़बड़ाना बंद करो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप बैबलिंग। स्टॉप बैबलिंग यानी कि बड़बड़ाना बंद करो। नेक्स्ट वर्ड है बिस्तर लगाना। बिस्तर लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक बेड। मेक बेड जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मेरा बिस्तर लगा दो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक माई बेड। मेक माई बेड मेरा बिस्तर लगा दो। नेक्स्ट वर्ड है मूड ख़राब करना। मूड ख़राब करने के लिए आप स्पॉइल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल है, मेरा मूड ख़राब मत करो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्पॉइल माई मूड। डोंट स्पॉइल माई मूड यानी कि मेरा मूड ख़राब मत करो। नेक्स्ट वर्ड है जासूसी करना यानी कि किसी पर नज़र रखना। जासूसी करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाई। स्पाई यानी कि जासूसी करना। एग्जांपल है इसका, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आप यू आर स्पाइंग ऑन मी। यू आर स्पाइंग ऑन मी। नेक्स्ट वर्ड है दिमाग खाना। दिमाग खाने को इंग्लिश में बोलते हैं नैग। नैग जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, मेरा दिमाग मत खाओ, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट नैग मी। डोंट नैग मी यानी कि मेरा दिमाग मत खाओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने तंग करना। तंग करने को इंग्लिश में बोलते हैं टीज। टीज यानी कि तंग करना। एग्जांपल है इसका, मुझे तंग मत करो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टीज मी। डोंट टीज मी यानी कि मुझे तंग मत करो। मेरी वीडियो से अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए।